हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल गार्डनिंग और आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टेरेस पे लोटस किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए मेरा ये लोटस का छोटा सा पॉन्ड है और उसमें देखिए काफ़ी सारे लोटस ग्रो भी कर रहे हैं। ये देखिए एक फ्लावर हम लोग का खिल गया और आप लोग बर्ड्स देख रहे होंगे, काफ़ी सारी इसमें बर्ड ग्रो कर रही है। दो बर्ड हम लोग की यहाँ पर है, यहाँ पर भी लगभग ये दोनों फ्लावरिंग स्टेज पर आ गई है, ये भी लगभग फ्लावरिंग स्टेज पर आ गई है। और एक और दिखाऊँ, देखिए कुछ छोटी छोटी सी बर्ड्स इसमें ग्रो कर रही हैं। और जो इसमें नीचे पानी के अंदर मैं देखता हूँ तो उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सी बर्ड्स और भी ग्रो कर रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपने टेरेस पे इस तरीके से लोटस कैसे ग्रो कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हम लोग को, कैसे मिट्टी तैयार करनी, कैसे क्या करना, पूरा डिटेल में मैं आप लोग के साथ ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग भी अपने टेरेस पे इस तरीके से लोटस ग्रो कर सकेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग लोटस को अपने टेरेस पे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग लोटस को अपने टेरेस पे दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक हम लोग का नॉर्मल सीड से ग्रो करना होता है, एक हम लोग का होता है ट्यूबल से ग्रो करना। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लोटस के सीड्स लिए हुए हैं। देखिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे से लोटस के सीड्स होते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों को लोकल जो पंसारी की दुकान होती है जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दूसरा जो होता है वो ट्यूबल से ग्रो करना है। जैसे आप देख रहे हो, देखिए ये है लोटस के ट्यूबल्स, ये मेरे खुद के लोटस के ट्यूबल्स हैं, मैंने हार्वेस्ट किए, मेरे पास इसमें काफ़ी सारे लोटस हो गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पास से दिखाऊं तो देखिए इसमें रूट्स वगैरह भी डेवलप कर रही हैं। ये देखिए यहाँ से रूट्स डेवलप कर रही है और यहीं से देखिए ये शूट ग्रो कर रही है। ये जो शूट है ये आगे जाके धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस फॉर्म करती रहेगी। तो ये दो तरीके हैं लोटस को ग्रो करने के। लोटस को सीड से ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसके लिए लोटस के सीड्स को हम लोग को क्रैक करना होता, तब जाके उसमें से न्यू जर्मिनेशन होती है। क्रैक कैसे करना, दो तरीके होते हैं। जैसे ये लोटस का सीड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड एकदम केस होता है, ऊपर बहुत सख्त त्वचा होती है इसकी, उसको हम लोगों को हल्का सा क्रैक करना होता है, उसके बाद ही ये लोटस ग्रो करते हैं। तो इनको क्रैक करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप सैंड पेपर ले लें। ये देखिए मेरे पास ये सैंड व्हील है, इसके ऊपर हम लोगों को इसको कुछ इस तरीके से रब करना होगा। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे ये रब होता जाएगा, फिर उसके अंदर से कुछ वाइट वाइट सरफेस दिखने लगती है, फिर वो लोटस अंदर से ग्रो करता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को उसको धीरे धीरे घिसना होगा। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को उसको धीरे धीरे घिसना होगा, उसके बाद ही ये ग्रो करेगा। दूसरा तरीका जो मैं करता हूँ, मैं देखिए ये हम लोग का सिगेटर हो गया, यहाँ पर हम लोगों को इसकी जो टिप होती है इस तरीके से हल्का सा फंसाना है। ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से करना है, ऊपर की सरफेस देखिए कट हो गई और हम लोग का लोटस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैंने काफ़ी सारे सख्त ऊपर के जो खोलते हैं मैंने निकाल दिए। देखिए इसका मैंने कट कर दिए, इसका मैंने कट कर दिया, इसका मैंने कट कर दिया। अब करूँगा क्या, मैं इन सबको एक पानी में रख दूँगा, कम से कम 20 दिन का समय लगेगा और इसमें हम लोग का जो सीड होगा इसमें न्यू लोटस का प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन ये जो हम लोगों के ट्यूबल्स हैं ये बिल्कुल लगाने को तैयार है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम लोगों को लगाना भी किस तरीके से है। लेकिन उससे पहले हम लोग के लोटस के जो सीड्स हैं थोड़े से जर्मिनेट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग को मिट्टी वगैरह प्रिपेयर करनी है। तो ये देखिए मैंने लोटस के सीड्स को पानी में रख दिया है। ये पानी को हम लोगों को हर 24 घंटे पर चेंज करना होगा, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। और हम लोग को ये जो हम लोगों ने पॉट लिया है इसको धूप में नहीं रखना है, शेड में रखना है, वहाँ पर ही लोटस अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, वहीं पर स्प्राउट कर पाएगा। मैंने काफ़ी सारे लोटस के सीड्स लिए हैं ताकि अच्छा जर्मिनेशन रेट हम लोगों को मिल सके। तो ये देखिए हम लोगों का 24 घंटे बाद का रिजल्ट है, पानी हम लोगों का काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है और लोटस के सीड्स में आप लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे। देखिए जो पहले हम लोग के सीड्स थे वो काफ़ी छोटे साइज के थे, फिर पानी में फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो इसका पानी अब हम लोग को चेंज कर देना, और बिल्कुल फ्रेश टैप वाटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस टैप वाटर को हम लोगों को इसमें फिल कर देना है। तो ये देखिए हम लोगों ने लोटस का वाटर चेंज कर दिया और हम लोग के सीड्स भी बिल्कुल क्लियर दिखने लग गए हैं। कुछ में देख रहे होंगे आप लोग, देखिए हल्के हल्के से स्प्राउटिंग होने लग गई है, छोटे छोटे से लोटस के प्लांट ग्रो करने लग गए हैं। तो ये देखिए ये आगे मैं आप लोगों को 10 दिन बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ, हम लोगों का सीड काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, उसमें देखिए काफ़ी अच्छी स्प्राउटिंग वगैरह होने लग गई है।
ये लोटस के प्लांट्स को मैंने बकेट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि इनकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को आगे एक हफ्ते बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। हम लोग को लोटस के जो सीड्स लगाए थे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर गए, उसमें देखिए लीव्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं और आप लोग देख रहे होंगे, देखिए हम लोग के लोटस की लीफ काफ़ी अच्छी तरह से खुल गई और एक और लीफ भी उसमें निकल रही है और रूट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को लोटस को सीड से ग्रो करना है। हम लोगों ने काफ़ी सारे सीड लगाए थे लेकिन देखिए कुछ सीड उसमें से ख़राब हो गए, कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी सारे लोटस के सीड लगाने ताकि अच्छा जर्मिनेशन रेट मिल पाए। कुछ बातें ध्यान रखनी, हम लोगों को रेगुलर वाटर चेंज करते रहना है ताकि हम लोग का लोटस अच्छी तरह से ग्रो करे, नहीं तो पानी ख़राब हो जाएगा तो हम लोग के सीड भी ख़राब हो जाएंगे, जो प्लांट ग्रो कर रहा होगा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये जो हम लोगों के लोटस के प्लांट हैं ये पूरी तरीके से मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हैं। आगे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है कि हम लोगों को मिट्टी वगैरह किस तरीके से तैयार करनी है ताकि हम लोगों के लोटस के पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। मैं आप लोगों को लोटस के ट्यूबल्स ग्रो करके दिखा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल सेम मेथड से ही हम लोग लोटस के सीड भी ग्रो करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। मैं लोटस को ट्यूबल से इसलिए ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फ्लावरिंग काफ़ी जल्दी होने लगती है लेकिन सीड में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों अब हम लोग लोटस को लगाने के लिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखिए मैंने ये टब लिया हुआ, ये काफ़ी बड़ा टब है, ये 2 फुट बाई 1 फुट का टब है, 2 फुट उसकी चौड़ाई और 1 फुट उसकी गहराई है। इसमें हम लोग अपने लोटस के ट्यूबल्स को लगाने वाले हैं। मिट्टी को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने चिकनी मिट्टी ली थी, इसमें हम लोग को लोटस ग्रो कर रहे थे, मैंने रीपॉटिंग के लिए मिट्टी को पलटा था, इसमें धूप अच्छी तरीके से दिखा दी, अब इसके बाद हम लोग उसको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ, मिट्टी हम लोगों को निकालनी है, उसको अच्छी तरीके से धूप दिखानी है, उसमें लगभग 20% हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट मिलानी होगी, अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट मिलानी। ये देखिए ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया, ये देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ली, इसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिला देना है। साथ में हम लोगों को थोड़ा सा सीवीड मिलाना होगा, ग्रेन्यूल फॉर्म वाला सीवीड मिलाना होगा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, हम लोगों के पौधे को ग्रोथ कराने में मदद करेगा, लोटस के ट्यूबर्स को ग्रोथ कराने में मदद करेगा। तो मैं सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें मिला देता हूँ, फिर हम लोग इस टब में भरेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, देखिए इस तरीके से हम लोगों को बेस पे, ये देखिए यहाँ पर बेस पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी बोन मील डाली हुई है। बोन मील क्या करती है कि फॉस्फोरस और कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम करती है जिससे कि लोटस को फ्लावरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बोन मील हम लोगों को ऊपर नहीं डालनी है, हमेशा बेस पे डाली जाती है, बिल्कुल बेस पे हम लोगों को डाल देनी, फिर ऊपर से मिट्टी से इसको दबा देना है। हम लोगों ने मिट्टी का लगभग 20% पार्ट निकाल दिया, उसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं मिलाया है क्योंकि इस बाद में हम लोग इसमें फ़िश ऐड करेंगे, तो होगा क्या अगर हम लोग ऊपर पूरी खाद वाली मिट्टी मिला देंगे तो हो सकता है हम लोग को फिश को थोड़ा सा नुकसान करें, इसलिए हम लोग को प्लेन मिट्टी से ऊपर कवर करना होता है। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाता हूँ फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हम लोगों ने मिट्टी में सारी चीज़ें मिला के टब में अच्छी तरीके से मिट्टी को फिल कर दिया है, आप लोगों को इसमें कंपोस्ट वगैरह दिख रही होगी। अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को टब में रात भर के लिए पानी भर के रख देना है जिससे कि ये जो मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है एकदम मुलायम हो जाएगी और इसमें जो ट्यूबल्स होंगे वो बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे हम लोग। तो अभी मैं इसमें बस पानी भर के इसको रात भर के लिए छोड़ दूँगा, सुबह मैं इसका अपडेट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने रात में टब में पानी भर के रख दिया था, मिट्टी अच्छी तरीके से फूल गई और एकदम सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई हम लोगों की मिट्टी। अब इसमें हम लोग अपने लोटस के ट्यूबर्स लगा देंगे। ये वाले टब में मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी भर दिया था इस वजह से देखिए अभी तक पानी इसमें रुका हुआ है, बाकी इस वाले टब में सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ मैं इसमें ट्यूबर्स कौन से लगाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हम लोगों ने दो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लोटस के ट्यूबर्स ले लिए हैं, दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही, काफ़ी अच्छी देखिए रूट्स डेवलप कर रही हैं। तो अब हम लोग को लगाने के लिए करना क्या होगा, लोटस को हमेशा सेंटर पे लगाया जाता है तभी वो नीचे जाके राउंड में ग्रो करता है। सेंटर पे लगाएंगे जैसे डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से ग्रो करता जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो चलिए आप लोगों को मैं लगा के भी दिखाता हूँ कि हम लोगों को इसको किस तरीके से लगाना है। तो ये हम लोगों की अपसाइड है, यहाँ पर देख रहा हूँ लीव्स देखिए ऊपर साइड को ग्रो कर रही हैं, तो हम लोगों को सेंटर पे रखना है और इस तरीके की अगर खाद वगैरह आपको दिखाई दे तो इसको आपको मिट्टी में धीरे से दबा देना है, नहीं तो जब आप दोबारा पानी भरेंगे तो ये ऊपर साइड को फ्लोट करने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही सावधानी से देखिए सेंटर पे इस तरीके से मैं रखूँगा और हल्के हाथ से जेंटल हाथ से प्रेस करता जाऊँगा इसको ताकि ये धीरे से मिट्टी में सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान होता है लोटस को लगाना, कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसको लगाना है। दूसरा वाला भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से लगाने वाला हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सेंटर पे रखूँगा और बहुत ही जेंटल हाथों से और इसको हल्का हल्का से मिट्टी में दबा दूँगा, यहाँ पर हल्का सा गड्ढा कर लेते हैं और इस तरीके से मिट्टी में बस दबा देते हैं और मिट्टी से हल्का सा कवर कर देते हैं।
अब इसके बाद हम लोगों ने मिट्टी थोड़ी सी बचाई थी, जब मिट्टी मैं तैयार कर रहा था मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी मिट्टी हम लोग बचा लेंगे। अब ऊपर से वो सूखी मिट्टी से हम लोग इसको कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दिया। अब हम लोग बिल्कुल ऊपर तक पानी भर देंगे और इसमें पत्तियाँ डेवलप करने का इंतज़ार करेंगे। इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह डेवलप कर जाएँ, फिर उसके बाद का अपडेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को लगभग 1.5 महीने के बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। बीच में मैं इसकी ग्रोइंग स्टेज का अपडेट नहीं ले पाया, थोड़ा सा मैं बाहर काम में बिजी था, इस वजह से मैं इसका अपडेट शूट नहीं कर पाया। ये हम लोग का लगभग 1.5 महीने में फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया लोटस। ये हम लोग की लेडी बिंगली की वेराइटी थी, इसमें बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होने लगती, यानी छोटे स्पेस में। मैंने तो इसको टब में लगाया हुआ है, अगर मैं इसको और छोटे स्पेस पर लगा दूँ तो उसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो जाती। तो आप लोग देख रहे होगे, देखिए इसकी लीव्स वगैरह काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रही हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की इसकी लीव्स भी हो गई हैं, और कुछ लीव्स देखिए एरी लीव्स कहते हैं उनको, ये थोड़ी थोड़ी सी ऊपर भी आने लग गई हैं। और साथ में मैंने कुछ लिली के भी प्लांट लगाए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोगों के वाटर लिली के प्लांट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये तीनों वाटर लिली हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की है, इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इनको छोटे पॉट में लगाया। ये हम लोगों का 14 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, और उसके अंदर भी मैंने प्लास्टिक पॉट का ही इस्तेमाल किया है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अंदर से भी मैंने प्लास्टिक पॉट रखा हुआ, और देखिए कुछ फिशेस वगैरह मैंने ऐड करी हुई। ये देखिए 2 फिश आप लोग को दिख रही होंगी, और एक देखिए इधर भी है। तो सब में मैंने कुछ कुछ फिशेस ऐड कर दिए हैं, ताकि मॉस्किटोज़ के जो बेबीज़ होते हैं वो इसमें ना डेवलप कर पाएँ, वो इनको ख़त्म करती रहती फिशेज, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी करती रहती। तो ये देखिए, ये हम लोग की डिफरेंट वेराइटी की वाटर लिली है। ये वाली जो है ये हम लोग की डिफरेंट वेराइटी की है, और ये वाली जो है वो डिफरेंट वेराइटी की वाटर लिली है। तो मैंने कुछ वाटर लिली भी ऐड करी हुई है। यहाँ पर एक टब मैंने और लगाया हुआ था, लेकिन उसमें हम लोग का लोटस ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग के डॉग ने वो ट्यूबर्स जो हम लोगों ने लगाए थे उसको डिस्टर्ब कर दिया था, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन ये वाले टब में हम लोग का लोटस काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर गया, और नेक्स्ट सीजन जब आएगा तब इस वाले पॉट में भी मैं लोटस फिर से लगा दूंगा, तो वो ग्रो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, टेरेस पर लोटस ग्रो करने का ये रहा पूरा डिटेल वीडियो। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया कि कैसे कैसे हम लोगों को लोटस को ग्रो करना, कैसे मिट्टी तैयार करनी, पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। जैसे मैंने आप लोगों को सीड बताया था, उस तरीके से सीड की जर्मिनेशन करके मिट्टी तैयार करके आप लोग ग्रो कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आती कि वो हाइब्रिड सीड्स नहीं होते। अगर आप हाइब्रिड सीड लेते हो तो आप टेरेस पे बहुत ही आसानी से लोटस के फ्लावरिंग ले सकते हो। अगर हाइब्रिड सीड नहीं होंगे तो उनमें फ्लावरिंग होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप लोटस के इस तरीके से ट्यूबर्स परचेज़ करते हैं फेसबुक वगैरह पे, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर लेंगे तो आप काफ़ी ईजिली लोटस अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर करिए, ताकि सभी लोग अपने टेरेस पे लोटस ग्रो कर सकें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलती रहे। और साथ में कुछ और वीडियोस के भी लिंक आ रहे होंगे, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।